गाइस इट्स योर बॉय के और आज के इस वीडियो में मैं कुछ समरी बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे बुक का जो पूरा क्लासिक है और थोड़ा सा इंडियन में जाता है, इंडियन कल्चर में। तो अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए, पर अगर आप पाकिस्तानी या कोई भी इंडिया से कुछ रिलेटेड है, आपको इंडिया अगर पसंद है तब आप ये पढ़िए, क्योंकि ये किताब है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसमें पूरे दुनिया का ये एक आदमी होता है, फिलियस फॉग, मिस्टर फिलियस फॉग। उसका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है पासे पटाउट, पास पटाउट, पासे पटाउट, हाँ ये उसका नाम होता है। तो वो दोनों मिलके कैसे पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट करते हैं 80 डेज के अंदर, ये इस बुक का ये है, मतलब जो कंटेंट होता है वो है इस बुक के अंदर। और क्या है कि ये हर कंट्री में इसको नहीं घूमना है, बस इसको पूरे ग्लोब को घूम के उसी जगह पे वापस आना है। तो इस एक कंट्री के, इंडिया कंट्री में, इसने 2 चैप्टर गंवाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए शुरुआत में तो 2-3 ऐसे ही 3 चैप्टर ऐसे ही गया इसका कि इंट्रोडक्शन में, उसके बाद 10 चैप्टर था उसमें से 3 चैप्टर गया, 7 चैप्टर बचा, उसमें से 2 चैप्टर इंडिया में गया, और इसका जो राइटर था वो भी इंडियन नहीं था। आप टाइटल में देख लीजिए, आपको इसका राइटर मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका राइटर, इसके राइटर है जूल्स वर्न, शायद उल्टा हो रहा हो, पर इसके राइटर है जूल्स वर्न। तो इसमें यही है, और एक और डिटेक्टिव होता है जिसको लगता है कि ये जो फिलियस फॉग है ये इस बैंक को लूटा है, और इस डिटेक्टिव का नाम होता है फिक्स, जोड़ना नहीं, फिक्स उसका नाम है, जिसको लगता है कि मिस्टर फिलिस फॉग ने एक बैंक को रॉब किया है, और वो ये शर्त के बहाने से अब अमेरिका से दूर भागना चाहता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इतने प्लॉट ट्विस्ट आते हैं, मतलब पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। तो अगर आपको ऐसे प्लॉट टेस्ट पसंद है तो आप इस किताब को खरीदिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही एडिशन करना है, ये तो मेरे उसमें मिला था स्कूल में, फिर मैंने इसका असली वाला पढ़ा और बहुत अच्छा लगा था, मुझे अच्छा लगा था। तो अगर मुझे अच्छा लगा तो आपको भी तो लगेगा ही। तो अगर आपको किताब का समरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।